हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल आई होप यू आर डूइंग वेल सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आई आई टी मंडी की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी की तरफ से भी इन्वाइट किए गए हैं एप्लीकेशन फॉर पी एच डी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कवर करेंगे सो वन मोर थिंग इन फैक्ट टू मोर थिंग्स फर्स्ट इज की अगर आपको किसी स्पेसिफिक आई टी के नोटिफिकेशन में इंटरेस्ट हो एक बार आप जा कर के उनके ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर लीजिएगा द थिंग इज़ मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं कई सारे आई टी इज़ बॉम्बे एंड देन रोपड़ अभी रिसेंटली खड़गपुर उसके अलावा तिरुपति कवर किया है आई एस एम धनबाद हुआ है देन ये मंडी हो गए सो हो सकता है और भी फॉर्म्स आए हुए हों तो मैं वन बाय वन कवर कर रही हूँ बट तो एक बार आप भी स्पेसिफिकली किसी में इंटरेस्टेड हों तो उसकी वेबसाइट उस आई टी की वेबसाइट को देख लीजिएगा ठीक है सेकंड इनकी यहाँ पे देखिए कोई स्कीम है इसके अलावा इसी तरह से किसी भी वेबसाइट में आप देखेंगे कि जो भी और कोई स्कीम्स हैं या कॉन्फ्रेंसेस हैं इसकी इन्फॉर्मेशन देखिए वर्कशॉप्स हैं सो ये तो हो चुकी है बट हमसे कि फ्यूचर के जो भी ऐसे इवेंट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है तो उसे भी चेक किया कर लीजिए मैं ट्राई करती हूँ जब भी हो पाता है तो एक दो वीडियोज़ बनाती हूँ बट अगेन हो ऐसा नहीं हो पाता कि रेगुलरली इसे भी कवर करूँ सो सबसे पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट इज आई मंडी डॉट ए डॉट इन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो so, इस पर विजिट करने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एडमिशन्स का सेक्शन दिख रहा है ये डेस्कटॉप वर्जन है ठीक है ये जो वेबसाइट है डेस्कटॉप वर्जन है अगर आप फ़ोन में ओपन करें तो आप स्क्रॉल करिएगा आपको रिक्रूटमेंट उसके नीचे अनाउंसमेंट देन एडमिशन आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है सो यहाँ पे अभी दो डिपार्टमेंट्स हैं बिकॉज आपको पता है आई मंडी की तरफ से जो एप्लीकेशनस होते हैं नोटिफिकेशन आता है वो इन डिपार्टमेंट वाइज आता है सो so, अभी के लिए दो डिपार्टमेंट्स हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं दैट एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एम टेक बाय रिसर्च और पी एच डी प्रोग्रामिंग मटीरियल्स राइट लास्ट डेट इज़ ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अक्टूबर इसके अलावा सेकेंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ठीक है सो so, यही दो डिपार्टमेंट्स हैं जो अभी ओपन है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ रिकॉर्ड कर रही हूँ इसके बाद आप चेक करते रहिएगा मैं भी इन्फॉर्म करूंगी बट आप ज़रूर चेक करते रहेगा बिकॉज अभी अब देखेंगे वन बाय वन सभी डिपार्टमेंट्स के फॉर्म आएंगे राइट सो लास्ट डेट है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अक्टूबर इसके बाद ये लिस्ट है जो सेलेक्टेड uh, कैंडिडेट्स है उनकी बट पेज वन के बाद पेज टू एंड बाकी एक बार आप इसे आगे करके भी चेक कर लीजिएगा सो so वैसे अभी नहीं आया बिकॉज लिस्ट वगैरह आई है फिर ये जो पी लास्ट ड्राइव थी स्पेशल ड्राइव उसकी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है फिर आप इसी तरह से पेज थ्री देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की ही लिस्ट है राइट यहाँ पे स्पेशल एडमिशन जो हुए थे उसकी भी लिस्ट वगैरह है तो अभी एज पर माई इन्फॉर्मेशन दो ही डिपार्टमेंट्स हैं बाकी जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको दूंगी और आपके पास कुछ हो तो आप मुझे दे दीजिएगा सो so, यस yes, अब हम वन बाई वन इन नोटिफिकेशनस को ओपन करते हैं सो फर्स्ट नोटिफिकेशन है ये फ्रॉम द स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग सो ये मटेरियल्स डोमेन के लिए जो नोटिफिकेशन है वो है ठीक है फुल टाइम या पार्ट टाइम पीएचडी दोनों ही यहाँ पे आई एम होप फुल की अवेलेबल है एंड ये नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए है इसीलिए आप कहीं जगह सेकेंड सेमेस्टर देख दें कहीं सेकेंड फेज या कहीं पे सिर्फ पी एच डी एडमिशन ओके okay? सो so, यहाँ पर सबसे पहले आप डिसिप्लिन देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है उसके बाद यहाँ पे है रिसर्च डोमेन सो ये मेन डोमेन्स हैं ब्रॉड हैं बट लिमिटेड नहीं है ठीक है और भी एरियाज डोमेन्स अवेलेबल होंगे नेक्स्ट रिमार्क है सो so, सबसे पहले मटेरियल्स इंजीनियरिंग है ठीक है एंड देन है मटेरियल साइंस मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास बीटेक है मैकेनिकल या केमिकल या मटेरियल्स है मेटोलॉजी में साथ में एम टेक है बिकॉज प्लस साइन लगा हुआ है साथ में एम टेक है एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स मेटोलॉजी या रिलेटेड एरियाज में तो आप एलिजिबल हैं राइट देन रिसर्च डोमेन्स देन रिमार्क सो स्पेशलाइजेशन में सेलेक्ट करिएगा मटेरियल्स इंजीनियरिंग नेक्स्ट इज मटीरियल साइंस एमएससी है फिजिक्स केमिस्ट्री में साथ में वैलिड गेट या नेट स्कोर है या फिर आपने एम किया हुआ है नैनो मटीरियल्स नैनो टेक्नोलॉजी एनर्जी पॉलिमो मटीरियल साइंस केमिकल इंजीनियरिंग या रिलेटेड एरियाज में तो येस yes, आप एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डोमेन या इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में ओके okay? ये सारे डोमेन्स हैं एंड स्पेशलाइजेशन में सेलेक्ट करिएगा मटेरियल्स साइंस ओके नाउ जिनके पास बीटेक डिग्री है सो वो भी डायरेक्टली पीएचडी में एनरोलमेंट ले सकते हैं एडमिशन ले सकते हैं अगर ओके okay, ये कंडीशंस आप फुलफ़िल करते हैं सबसे पहले आपका जो अकेडमिक रिकॉर्ड रहा है वो एक्सेप्शनली वेल well रहा है थ्रू आउट ओके एंड ऑफकोर्स इन बी टेक डिग्री मेनली एंड उसके बाद है देखिए इस कैटेगरी में फुल टाइम पीएचडी का मतलब है वो कैटेगरी जिसमें फेलोशिप आपको फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मिलेगी एंड आप रेगुलरली वहाँ पे थ्री इयर्स कंप्लीट करेंगे रेसिडेंशियल ओके आफ्टर दैट ये है कंडीशंस सो बी या बीटेक डिग्री है फ्रॉम सी एफ़ टी आई तो जितने सी एफ टी आईज हैं उनमें से किसी में आपके पास बी ए या बी टेक या बी ई की डिग्री है मिनिमम सेवन पॉइंट फाइव सी जी पी ए के साथ सेकेंड है बी टेक या बी ई डिग्री है किसी नॉन नन सी एफ टी आई से बट साथ में फिर आपके पास वैलिड गेट या फिर कोई और इक्वाल नेशनल एग्जाम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एन आपके सी जी पी ए जो है वो सेवन पॉइंट फाइव ई से ज़्यादा हो ठीक है नेक्स्ट या फिर आपके पास बी टेक बी डिग्री हैं आपने टू या उससे ज़्यादा ईयर्स उस किसी एक रेप्यूटेड आर एंड डी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया हो एंड आपके पास प्रोवन जो रिसर्च रिकॉर्ड है वो होना चाहिए ओके नेक्स्ट यहाँ पे है दैट एप्लीकेंस फॉर एडमिशन शाल बी क्लासीफाइड अंडर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी एंड चॉइस ओके एंड आप अपने कैटेगरी वगैरह को एप्लीकेशन फॉर्म में मैंशन करेंगे अब कैटेगरीज कैसे डिसाइड करते हैं देखिए सबसे पहली कैटेगरी है रेगुलर फुल टाइम पीएचडी सो अगर जो भी यहाँ एडिशनल मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं पूरा वीडियो देखने के बाद एंड खुद से एक बार ब्रोशर पढ़ने के बाद आपको लगता है कि येस आप एलिजिबल हैं सारी कंडीशन भी फुलफिल करते हैं जो भी हैं फेलोशिप के लिए भी तो आप क्या करेंगे आप रेगुलर फुल टाइम पी में अप्लाई करेंगे इस केस में आप वहीं पे यू नो आई मीन रहते ही इन द सेंस हॉस्टल में या जहाँ भी रहें बट हाँ आप जो कैंपस में लैब की जो अटेंडेंस होती है ना वो प्रॉपर थ्री इयर्स उसके बाद एक्सटेंशन लगे तो थ्री टू फाइव इयर्स जो भी है वह वो पूरा करेंगे तो आप एलिजिबल हैं फर्स्ट कैटेगरी के लिए सेकंड कैटेगरी है फेलोशिप तो फेलोशिप्स अगर आप जेआरएफ हैं या आपके पास कोई और सोर्स से ऐसा होगा कि आपको पीएचडी करने के लिए फेलोशिप मिलेगी तो आप सेकंड पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई करेंगे रेगुलर फुल टाइम होगा बट फेलोशिप आपको आई मंडी नहीं आपको कोई और एजेंसी देगी ओके नेक्स्ट okay? है फुल टाइम ही है बट सेल्फ स्पॉन्सर्ड आपको ना इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलेगी ना आप जे हैं ना क्वालिफाइड हैं किसी और एग्ज़ाम के जिससे आपको फेलोशिप मिलनी हो सो so आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं आप फी वगैरह सब खुद पे करेंगे एंड फेलोशिप बेसिकली नहीं मिलेगी ठीक है देन पार्ट टाइम पी एच सो आपको कोई भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट या कोई लैब है इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर रेप्यूटेड प्राइवेट सेक्टर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर कर रहा है कि आप पी करो हम आपको पैसे देंगे या फिर पार्ट टाइम ओके ऐसा होगा ठीक है पहली कैटेगरी नेक्स्ट है पार्ट टाइम पीएचडी में जो भी फैकल्टी हैं। एम्प्लॉयड जो कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जो कि जम्मू एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में है सो जे एंड के या हिमाचल प्रदेश के जितने भी अकेडमिक इंस्टीट्यूशन अगर आप उसमें फैकल्टी हैं आप पार्ट टाइम पी करना चाहते हैं सो so आप अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट आप स्टाफ हैं एंड आप ए आई मंडी में एम्प्लॉयड हैं तो आप भी कर सकते हैं सो पार्ट टाइम पी में क्या होगा आप अपना वर्क कंटिन्यू करेंगे ठीक है कोर्स वर्क आई थिंक आपको करना पड़ेगा वो मैंनेडेट्री होता है इसके अलावा आप अपने जो भी रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर वर्क करते रहेंगे एंड साथ में पी भी करते रहेंगे ठीक है एंड बाकी यस yes, ये हो गई इन्फॉर्मेशन एंड देन यहाँ पे है कैटेगरीज एंड रिक्वायरमेंट्स सो अब अगर आप फेलोशिप कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं फर्स्ट कैटेगरी में उसके लिए कुछ है मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ठीक है फेलोशिप के लिए सो so सबसे पहले है यस गेट जे या नेट या कोई और नेशनल लेवल एग्ज़ाम होना चाहिए क्वालिफाइड सो so क्या गेट रिक्वायर्ड है बिना गेट के भी आप अप्लाई तो कर सकते हैं बाकी कैटेगरीज़ वगैरह में बट आप फेलोशिप कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे ठीक है बाकी अभी मैं बाकी भी कैटेगरीज देख लूँ अभी मैंने देखी नहीं है बट हाँ अगर फेलोशिप चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूट तो फिर गेट जे या नेट होना चाहिए नेक्स्ट कैटेगरी फेलोशिप है तो आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए जिससे आपको फेलोशिप मिल सके स्पॉन्सर स्कीम में या प्रूफ होना चाहिए कि आपको फेलोशिप मिलेगी ठीक फिर थर्ड है सेल्फ तो इस केस में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है एंड आपको आ, ओके सो आई थिंक ये पार्ट टाइम पी का काइंड ऑफ है क्योंकि सेल्फ स्पॉन्सर के लिए एक्सपीरियंस की बात बोली गई है सो so आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा ठीक है बट हाँ इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपने टू इयर्स का एक्सपीरियंस लिया हुआ है किसी आर एंड डी सेक्शन में वर्क करके एंड तो यहाँ पे गेट वगैरह की रिक्वायरमेंट आपके वेव की जा सकती है ओके okay? एंड आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी बिना गेट के भी आप अप्लाई कर पाएंगे टू ईयर्स अगर एक्सपीरियंस है फेलोशिप नहीं मिलेगी नेक्स्ट है पार्ट टाइम पी एच डी सो स्पॉन्सर्ड है जो भी कैंडिडेट्स उनके लिए है आपके पास फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट टू इयर्स का एंड बाकी इसे पढ़ लीजिएगा एन वगैरह सबमिट करना होगा देन फैकल्टी है तो सेम है टू इयर्स का तो एक्सपीरियंस आपके पास मैंडेटरी है एंड इसके साथ गेट यू जी नेट या ऐसा कुछ क्वालिफाई किया हो आपने फाइव ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस है टीचिंग का तो फिर ये कंडीशन ये वे की कर दी गई हैं आप बिना नेट गेट के भी अप्लाई कर पाएंगे ओके सो so, इसको चेक कर लीजिएगा एंड देन स्टाफ के लिए भी यही है थ्री ईयर्स सर्विस कंप्लीट किया हो एनओसी वगैरह लगेंगे ना आप अप्लाई कर पाएंगे ठीक है नेक्स्ट है कैंडिडेट जो पार्ट टाइम कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है कि फैकल्टी प्रोफाइल देख लीजिएगा एंड जो भी पोटेंशियल गाइड्स हैं उनकी प्रोफाइल वगैरह चेक कर लीजिएगा रिटर्न कंसेंट जरूरी होगा जब आप जिस भी गाइड के अंडर अप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली अप्लाई करने से पहले आपके पास एक रिटर्न कंसेंट होना चाहिए उस गाइड का जिसके अंडर आप पी करने को सोच रहे हैं कि पोटेंशियल गाइड हो सकते हैं ठीक है एंड बिना इसके एंटरटेन ही नहीं की जाएगी एप्लीकेशन सो ये एक मैंडेटरी स्टेप है ऑल्सो रिसर्च प्रपोजल वगैरह रिक्वायर्ड होगा तो इसको चेक कर लीजिएगा देन फॉर नेशनल इसी तरह से और भी कुछ पॉइंट्स हैं सो इस पर्टिकुलर पी को डाउनलोड कर लीजिएगा ये एम टेक के लिए है आई गेस ओके एंड बाकी डिटेल्स पीएचडी की भी हैं तो इसको अच्छा ऑर्डिनेंस है ना ये ये सो so इसको देख लीजिएगा फर्स्ट प्रेफरेंस शैल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द रिसीव एडमिशन ओके सो ये बेसिक पॉइंट्स हैं देन एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेसर है सो so ये पर्टिकुलर लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी के थ्रू अप्लाई करेंगे आप एप्लीकेशन फी है जनरल ओ बी एंड ओ बी के लिए ऑल्सो ट्रांसजेंडर्स के लिए इट इज़ टू एंड बाकी वीमेन जिस भी कैटेगरी के हो आप आपके लिए देन एस सी एस सभी के लिए मतलब फीमेल्स तो सभी साथ में एस सी बी मेल कैंडिडेट्स के लिए हंड्रेड रुपीज़ है ओके एसबीआई बी आई कलेक्ट के थ्रू आपको पेमेंट करना है कोई भी क्वेरी है तो आप ऐसी एट द रेट ऐसी अंडर स्कोर एडमिशन एट द रेट आई कर सकते हैं जनरल क्वेरीज के लिए टेक्निकल इशू है सो ओ ए एस सपोर्ट एट द रेट आई टी आप विजिट कर आई मीन मेल कर सकते हैं राइट right. दैन नोटिस वगैरह है डेट्स है सो लास्ट डेट है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अक्टूबर इंटरव्यू एंड टेस्ट डेट थर्टी टू थर्टी टू सेकेंड ऑफ दिसंबर तक है बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लिखा है सो so ऑफलाइन भी होगा ऑनलाइन भी होगा जो जैसा देना चाहे दे पाएगा राइट सो so यस yes, ये नोटिफिकेशन था अब हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन ओपन करते हैं जो कि मोर और लेस आपको सेम देखने को मिलेगा सो ये नाउ सेकेंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियर इंजीनियरिंग की तरफ से ही है बट फॉर डोमेन मैकेनिकल राइट सो मैकेनिकल डिजाइन है एंड देन फ्लोइड थर्मल है इसके अलावा मैनुफैक्चरिंग है फोर्थ है रोबोटिक्स राइट अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्वालिफिकेशनस है सो बी टेक एम टेक दोनों होना चाहिए साथ में गेट रिकॉयर्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देन यहाँ रिसर्च डोमेन्स एंड इसमें आप मशीन डिजाइन सेलेक्ट करेंगे अगर आप फर्स्ट डिवीजन या डोमेन के अंडर अप्लाई कर रहे हैं फ्लूड थर्मल है सो so, बीटेक हो एम टेक हो गेट हो तीनों चीज़ें होनी चाहिए सिमिलरली मैनुफैक्चरिंग है सो बी टेक प्लस एम टेक प्लस गेट रिक्वायर्ड है देन इसी तरह रोबोटिक्स है इसमें भी गेट एटलीस्ट एक बार सो so, बाकियों में भी ऐसा वैलिड नहीं लिखा बट स्टिल इसमें स्पेसिफिकली लिखा है आपने कभी भी एक बार करियर में अपने अकेडमिक करियर में गेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं नेक्स्ट यहाँ पे सेम बीटेक के लिए सेम रूल्स से है जो अभी हमने देखा था सो हम रिपीट नहीं कर रहे हैं कैटेगरीज भी आप देख सकते हैं सेम है यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं मिनिमम वो भी यहाँ पे सेम है ओके okay? सो so, गेट नेट रिक्वायर्ड है अगर आप फेलोशिप चाहते हो अवेल करना फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ओके okay? देन ये रोमेंस एम रिसर्च एडमिशन्स के लिए सो so, इसको भी देख लीजिएगा एंड अगर कोई इशू है सो तो आप बता दीजिएगा एंड मुझे बताने से पहले आई I मीन mean, आप कमेंट कर दीजिएगा डेफिनेटली इसके बाद या इससे पहले जब सूटेबल लगे तो जनरल क्वेरीज़ के लिए जो ईमेल आईडी दी हुई है उन्हें मेल कर लीजिएगा सो दैट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले अभी लास्ट टाइम लास्ट डेट जो है वो दूर है ठीक है सो आप ट्राई कर सकते हैं ओके सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस ये ही सेम इंफॉर्मेशनस हैं तो रिपीट नहीं कर रही हूँ मैं इसको देख लीजिएगा आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आपको इफ़ यस देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो